अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरी पहली YouTube वीडियो है और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अपने YouTube पे चैनल बनाऊँ और उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करूँ, जिसमें आप लोगों को पेंटिंग की गाइडेंस, जो भी टिप्स जितना मुझे पता है, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्राइवेट मैसेजेस करके टिप्स लेते रहते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चैनल बना लूँ जो ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। तो इस चैनल में बहुत सारी बातें तो करेंगे ही हम, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी पेंटिंग दिखाऊंगी फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड, डिफरेंट टिप्स, आप लोगों के सवाल जवाब और ऐसी वो टेक्निक्स जो मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखी हैं, और जिस तरह से भी मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, और वो टिप्स जो लोग बाज़ दफ़ा सीक्रेट रखते हैं, नहीं बताते। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत ऐसे चैनल्स मौजूद हैं आर्टिस्ट के, जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद टिप्स देते हैं, लेकिन मैं भी चाह रही थी, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आज तो मैंने, क्योंकि अचानक से आइडिया आया और मैंने वीडियो बना दी, तो ये एक पेंटिंग है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी, ये किसी का कमीशन ऑर्डर है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू से लेके एंड तक आप लोगों के साथ एक पेंटिंग बनाऊँगी, टाइम लैप्स करूँ या फिर साथ साथ बनाएँ। तो सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो जाहिर है स्किल है, आपको आर्ट का स्किल कितना है आपके पास। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा अपनी पर्सनल राय है, मैं गलत हो सकती हूँ, कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी ऑनेस्टी काम के साथ। अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं और आपका स्किल लेवल थोड़ा लो भी है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। लेकिन इफ इट्स द अदर वे अराउंड, कि आपका स्किल बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके काम में ऑनेस्टी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, तो मुश्किल है कि आपको कोई किसी तरह का भी सक्सेस, फेम, एक्नॉलेजमेंट मिले। और इस सब के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए, जो कि सारे आर्टिस्ट समझते होंगे, वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे। तो स्किल के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़, स्किल से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी। यहाँ से हम शुरू करेंगे, और आज तो आपके सामने ऑलमोस्ट 90% रेडी पेंटिंग है, अभी गीली है, ड्राई नहीं हुई है, ये पैलेट नाइफ पेंटिंग है, ये नाइफ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शुरू से, मैं सारी जो जो टेक्निक्स मुझे पता है, जो जो मैं सीखी हैं वक्त के साथ साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूँगी, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। शुरू से शुरू करेंगे कि मैंने क्यों शुरू किया, मेरी इंस्पिरेशन क्या है, और क्या क्या मुझे इसमें मुश्किलात सामने का सामना करना पड़ा। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, स्पेशली जो इनबॉक्स में जितनी आप लोग रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन शो करते हैं, ऑनेस्टली मैं वो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को पेंटिंग्स बेचने में नहीं मिलती, जो आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से मिलती है, और इतनी ज़्यादा इज्जत से। और मैं बेशक इस सबके लायक नहीं हूँ, ये अल्लाह का करम है, लेकिन जितना भी मुझे स्किल आता है, जितनी भी मुझे चीज़ें मालूम है पेंटिंग के बारे में, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जैसे रूमी भी कहते हैं कि जब कोई कैंडल दूसरी कैंडल को जलाती है, लाइट करती है, तो वो अपनी रोशनी उसकी कम नहीं होती। तो कैंडल से कैंडल जलाते रहना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हमें आती हैं, जितनी भी नॉलेज, कोई भी इल्म, कोई भी छोटा से छोटा स्किल हमें आता है, दूसरों को बता देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक डिटेल्ड वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह।